देश की राजनीति में आज ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आमना सामना हुआ। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर टिप्पणी की थी और जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर सीधा निशाना साधा। ममता के बयान के बाद बंगाल की राजनीतिक प्रयोगशाला में सांप्रदायिक प्रयोग कौन कर रहा है, ये सवाल बड़ा हो गया है। का लोकसभा वोट का चुनाव शुरू होने का एक पहले दफा वोट के आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग लगाने का कोशिश का एक जबरदस्त प्रक्रिया पश्चिम बंगाल जोर के शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बयान दे रही हैं कि राम नवमी को दंगा मत करना बीजेपी का आरोप है कि इस बयान का मतलब दंगे का जिम्मेदार हिंदुओं को ठहराना है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान जारी कर दिया है कि राम नवमी पर पाप करने वालों को याद रखना और वोट से सजा देना। बीते कई वर्षों में ये देखा गया है कि हिंदू त्योहारों पर सुनियोजित हिंसा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा इसी तरफ था, लेकिन 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने के ठीक पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी पर ममता बनर्जी की राजनीति क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली है, ये बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। और जैसे ही ममता बनर्जी ने अपना ये बयान दिया, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी और कई प्रहार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर किए। कोलकाता से दिल्ली तक चल रही इस पूरी राजनीति का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी का यह बयान। आज रामनवमी उठा के रामनवमी बोले रामनवमी बोली सेटा होच्छे 17 तारीखे भोटेर आगे दंगा बाधानोर खेला तारपरे राम राम करे आमार रामेर प्रति अश्रद्धा नहीं किन्तु दंगा करबेन ना दंगा करे भोट करबार चेष्टा करबेन ना ताहले मने राखबेन दंगाकारीदेर बिरुद्धे जत कठोरतम व्यवस्था आमरा नेबोई नेबो दंगाकारीदेर छाड़बो ना। ममता बनर्जी की ये टिप्पणी कि राम नवमी पर दंगा मत करना, इस टिप्पणी के पीछे क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या इस बयान के पीछे हिंदुओं के त्योहार पर छींटाकशी की राजनीति है? कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने इन सवालों को उठाते हुए ममता बनर्जी की राजनीति पर सवालिया निशान लगाया है। लेकिन सबसे पहले ममता और इंडिया अलायंस की इस सांप्रदायिक राजनीति पर वार राजस्थान के पुष्कर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं, हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने रामनवमी के त्योहार और दंगों का जिक्र एक साथ किया है, बल्कि इससे पहले साल 2023 में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में रामनवमी, रमजान और दंगों के शब्दों का मिश्रण करके राजनीति की थी। पिछले साल रामनवमी और रमजान के मौके पर क्या बयान दिया था ममता बनर्जी ने, जरा सुनिए। एक जन गुंडा बोलते टीवी से रिकॉर्ड आछे रामनवमी दिन जा अस्त्र पाबो निये बेरोबो देखबो के की करते पारे। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে তোমরাও করবে, রমজান মাসও চলছে রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইন আইনত পদক্ষেপ নেবে। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अपनी रैली में ममता बनर्जी पर बहुत करारे हमले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की राजनीति को विभाजनकारी बताते हुए टीएमसी की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए,
लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे के द्वारा दिए गए धारा 370 के बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी से जितने भी सवाल पूछे गए लगभग सारे बंगाल के हालातों और ममता बनर्जी पर ही थे। और सुधांशु त्रिवेदी ने ममता के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की भाषा उनकी प्रशासनिक कमजोरी को दिखाती है। ये ममता जी का बयान सांप्रदायिक भावना से प्रेरित, दंगे के लिए उकसाने वाला और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व की अक्षमता को प्रकट करने वाला है। रामनवमी को दंगों से लिंक करने के ममता बनर्जी के बयानों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है और बीजेपी के मुताबिक ये बयान बंगाल की सांप्रदायिक ताकतों को उकसाने का एक तरीका है। पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, रायट हो, ये उनका एक गुप्त मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी हिंदुओं पर दंगा फसाद की जिम्मेदारी लाद रही हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने इतिहास का हवाला देते हुए ममता बनर्जी को घेरा और साफ साफ ये कहा कि 1947 के बंटवारे से पहले मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल के नोआखली में किया गया डायरेक्ट एक्शन डे रमजान के महीने में ही हुआ था, इसीलिए हिंदुओं पर दंगे का आरोप मढ़ना इतिहास को नजरअंदाज करना है। इससे पहले भी वो ऐसी बातें बोल चुकी हैं जब उन्होंने कहा था कि रोजे में मुस्लिम गलत नहीं करते हैं, रामनवमी में दंगे जो हुए वो हिंदुओं की वजह से हुए थे, आपको याद हो ये बयान। तो ऐसे ममता बनर्जी जी को मैं बता देना चाहता हूं, शायद उन्हें बंगाल का ही इतिहास नहीं पता है, 16 अगस्त 1946 को जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था उस समय रोजे चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये बयान जारी किया है कि इंडिया अलायंस के कई ऐसे राज्य हैं जहां जय श्री राम बोलने वाले लोगों की हत्या की गई है। You are in a hall full of people who can very proudly say Jai Shri Ram. There are states in this country where the India Alliance partners kill people for saying Jai Shri Ram. It has happened in Bengal, it has happened in Kerala. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने ना सिर्फ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पर करारा वार किया है। इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे, टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे। साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी ने हुगली का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए लॉकेट चटर्जी की तरफ से ये दावा किया गया है कि ममता के राज में उनके ऊपर हमला किया गया है। जरा ये तस्वीरें देखिए, जब एनआईए की टीम पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ, डंडे लिए महिलाएं, सीआरपीएफ से महिलाओं के धक्का मुक्की और गाड़ियों के टूटे हुए कांच। ये हाल तब हुआ जब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने एनआईए की टीम पहुंची थी। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए, महिलाओं की भीड़ को सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ा कर दिया गया।
बीजेपी ने अपने दो महिला सांसदों पर हुए हमले पर भी टीएमसी की क्लास लगाई और बीजेपी की लीडरशिप ने एनआईए की टीम पर हुए हमले के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया गया कि टीएमसी के राज में बड़े बड़े नेताओं के पश्चिम बंगाल दौरे भी जान पर खेलने के बराबर हो चुके हैं और इसका उदाहरण देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में अमित शाह पर साल 2019 में हुए हमले को सीधे सीधे जानलेवा हमला करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की ही एक रैली में बंगाल के लोगों से ये कहा कि वो टीएमसी के गुंडों से ना डरें और पूरी ताकत से वोट डालें। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के हालातों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में बड़ा मुद्दा बनाया है। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए, टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए, ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस सवाल के जवाब से तय होगा कि बीजेपी 370 के ऐतिहासिक आंकड़े को छू पाती है या नहीं। इसलिए बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी ने अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है।